पेपर है ना, तो उसके लिए दे रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम हमें अच्छा से स्वस्थ रहे। चिप्स वगैरह नूडल्स ये सब पेट को नुकसान पहुंचाता है, एनर्जी नहीं देता है, लेकिन इससे ऊर्जा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे असर पड़ता है, ज्यादा टाइम तक मोबाइल चलाओगे ना तो याददाश्त कमजोर हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आलसीपन होगा। तो बच्चों लोग क्या क्या सब्जी खाते हैं? दार दार पालक और चटनी और पापड़ के साथ हम लोग खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं क्या क्या खा रहे हो बच्चे लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर रितेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों माधवी शाला ग्राम राम ये राजनांदगांव जिला में पड़ता है। ये गाँव काफ़ी प्रसिद्ध गाँव है क्योंकि यहाँ के बच्चे अच्छे अंक से पास होते हैं ऐसा। और हम इस गाँव में आए हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आए हैं। न्यूनतम बोझ जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चल रहा है, जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं जैसे कि कई सारे जो लोग होते हैं वो सेलिब्रेशन करने के लिए गार्डन में जाते हैं दोस्त यारों के साथ, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा साधन बनाए हैं। किसी स्कूल में जाकर अपने पास अपने जो पास स्कूल है वहाँ जाकर बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य के लिए कुछ खिला पाएँ। जैसे कई लोग बिस्किट बांटते हैं, कई लोग खीरपूड़ी बांटते हैं, और कई लोग सेब फल बांटते हैं, और कई लोग अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ बांटते हैं। वैसा ही हम लोग आ गए हैं इस ग्राम रामपुर में, और बच्चे लोगों को हम लोग बिस्किट बांटने के लिए आए हैं। यहाँ एक प्राथमिक शाला है, पहली से लेकर कक्षा पाँचवीं तक जो बच्चे हैं उन लोगों को पूरे विद्यार्थियों को पूरे बच्चों को हम लोग बिस्किट देने के लिए यहाँ आए हैं। और आप लोग जो वीडियो में आगे देखेंगे काफी बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलना। तो पहली और दूसरी का जो बच्चे हैं उन लोग को बिस्किट दे दिए हैं और दूसरे क्लास में जाते हैं। जो आप लोग देख सकते हैं पहली कक्षा और दूसरी कक्षा दोनों एक साथ बैठे हैं दोनों बच्चे, तो बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लोग बिस्किट खिला रहे हैं हमारे केवलानंद भैया जी। और अब हम लोग चले गए हैं कक्षा पाँचवीं में, अब इस गाँव से अच्छे 2024 सात सोमवार का दिन न्योता भोजन में तुम लोग के लिए बिस्किट आया है, तो ये हमारे भाई की बना और मौसी है हमारी, ठीक है, उसके तरफ से आप जाए। चल शिवानंद भैया आप बताइए बच्चों को क्यों दे रहे हैं? बताइए थोड़ा स्पीच दीजिए आप भी। जंक फूड मत खाया करो, चिप्स वगैरह नूडल्स ये सब मत खाया करो, खाना ना तो पाले भी खाया करो या पतंजलि का भी खाया करो, इसके नाम भूख नहीं मिलता है ना भी होता है, लेकिन जंक फूड खाते हो ना चिप्स वगैरह नूडल्स ये सब पेट को नुकसान पहुँचाता है, एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन इससे ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और जैसे कुछ के लिए देते हैं तो कैसे रखते हैं, खुशी होती है नहीं, और अच्छा काम करे तो इसे और हमको कुछ
ऐसा बिस्किट क्यों दे रहे हैं भैया? भैया भी क्या बताएंगे, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। अभी तुम लोग का पेपर है ना, तो उसके लिए दे रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम हमें अच्छा से स्वस्थ रहे, तो हम पेपर दिला सकते हैं, तो हमें बाहर का चीज नहीं खाना है। यही चीज बताने के लिए आने आए हर दोस्तों आपसे करना चाहते हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई अभी से चल रहा है, अंदर जाने के बाद देखते हैं कि बच्चों लोग का एनर्जी कैसा है। एनर्जी आज का नेता भोजन 4/3/2024 भोजन अभी 16 फरवरी से चालू हुआ है, तो हम लोग के पास ऐसा कुछ आदेश आया है कि आप बच्चों को अतिरिक्त भोजन के अलावा, जैसे मध्याह्न भोजन मिलता है तो उसके अतिरिक्त गांव वाले, बाहर वाले या कोई भी जान पहचान आप प्रेरित कर सकते हो कि उसके चावल खाना के अतिरिक्त और कुछ दे सकते हैं क्या कुछ? इसमें ना ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, आप लोग ना जैसे वहाँ पे अभी मैं बताया कि चिप्स नूडल्स या जो पैकेट में आता है ना वो सब चीजें, फालतू चीजें मत खाया करो, उससे ना पेट को नुकसान होता है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाता है। अच्छा स्वाद के लिए खाते हो लेकिन स्वाद बस मिलता है, एनर्जी ऊर्जा नहीं मिलता है, लेकिन बिस्किट खाने से ना ऊर्जा मिलता है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो बिस्किट खा लिया करो, दूध पिया करो और अच्छा पौष्टिक आहार खाया करो और जंक फूड वगैरह मत खाया करो, इससे नुकसान होता है, ठीक है। चलो सभी लोग कितना घंटा, 1 घंटा 2 घंटा बताओ, उतना मत चलाया करो। देखो मोबाइल ना शॉर्ट वगैरह ज्यादा मत चलाया करो, ठीक है, और मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना है, इससे भी दिमाग को यहाँ पे असर पड़ता है। ज्यादा टाइम तक मोबाइल चलाओगे ना तो याददाश्त कमजोर हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आलसीपन होगा। मोबाइल ज्यादा टाइम चलाने से ऊर्जा कम लगता है, नींद आलस से आता है, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है और जो पढ़े रहते हो वो भी याद नहीं रहता है। क्या बनेगा? इंडियन आर्मी, फौजी बनोगे। और इधर लड़की लोग को भोजन करना, नेता भोजन कर खोला। आज के तुम्हारे मन के नेता भोजन में का है? बिस्किट। काफ़ी अच्छे हैं, हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किए वीडियो बनाने के लिए, उनको धन्यवाद देते हैं। और काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं बच्चे लोग हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और फिर से मिलते हैं बहुत ज़्यादा नई स्टूडियो में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।